हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुतोष और आप देख रहे हैं ऐसे किड जेई। और आज हमारा ये मैथ का क्रैश कोर्स का लेक्चर 7 है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं 3D ज्योमेट्री के बारे में। मैं आज आपको 3D ज्योमेट्री पढ़ाने वाला हूँ, उसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ और कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में देने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा फिजिक्स क्रैश कोर्स कॉमेट के 2021 के लिए लॉन्च हो चुका है। 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप पेमेंट करके UPI ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डॉक्यूमेंट जो दिया गया है उसको डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पढ़ सकते हैं, पढ़ के कोर्स के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और UPI ID में पेमेंट करके आप गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है उसको भर के आप रजिस्टर कर सकते हैं। जल्दी से रजिस्टर कीजिए, 5 अगस्त से हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे हम आपको प्रिपेयर करवाने वाले हैं सिर्फ कॉमेट के 2021 के लिए, जहाँ पे आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स साथ में आपको पेपर सॉल्यूशन भी देंगे। और हर एक चैप्टर का 2 वीडियोज आएगा, ठीक है, पर चैप्टर 2 वीडियोज। जल्दी से ज्वाइन कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। हमारा आज होने वाला है 3D ज्योमेट्री, और 3D ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं टॉपिक को। तो यहाँ बोला गया है 3D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री के बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है भाई 3D ज्योमेट्री में? सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? जैसे दो पॉइंट दिया गया है, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, ये डिस्टेंस जो है वो क्या हुआ, ये डिस्टेंस का हुआ, इसी को निकालने के लिए हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है एक 3D है, 3 कोऑर्डिनेट होगा इसका, Z1 और B हो जाएगा X2, Y2, Z2, ठीक है। तो जो डिस्टेंस होगा ए बी डिस्टेंस का हो जाएगा रूट अंडर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। इट इज़ द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2। तो इसका फार्मूला होता है डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट X कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस X कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट का होल स्क्वायर प्लस Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस Y कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट का होल स्क्वायर प्लस Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेकंड पॉइंट माइनस Z कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट पॉइंट का होल स्क्वायर। सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करते हैं अब अगर हम लोग, तो लेट P X1, Y1, Z1, Q X2, Y2, Z2 बी द टू पॉइंट्स एंड लेट R XYZ डिवाइड PQ इन द रेशियो M1:M2। मान लीजिए यहाँ पे अब एक जगह की जगह पे PQ लिया गया है और एक R जो है वो M1:M2 के रेशियो में काट रहा है PQ को, ठीक है। तो PQ हमारा दिया गया है X1, Y1, Z1 और Q दिया गया है X2, Y2, Z2, ठीक है। और R हमारा है जो XYZ है और ये जो है वो M1:M2 के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अब निकालना है कि R का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो R का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना है कि जो फर्स्ट रेशियो है M1 है, मतलब P से R के बीच में जो डिस्टेंस मतलब जो रेशियो है उसको M1:X2 प्लस M2:X1 बाई M1+M2, और Y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा M1:Y2 प्लस M2:Y1 बाई M1+M2, और Z का हो जाएगा M1:Z2 प्लस M2:Z1 बाई M1+M2। वहीं अगर N होता तो M2 की जगह पे N हो जाता, M:N पे होता, तो M1 की जगह पे M और M2 की जगह पे N। तो ये ध्यान देना है क्या कि अगर कोई एक पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है किसी दो पॉइंट को, दो ज्वाइनिंग पॉइंट को किसी रेशियो में, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट इस वे में निकलता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है भाई? तो AB इज इक्वल टू रूट अंडर X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। और सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अगर कोई पॉइंट M1:M2 के रेशियो में काट रहा है तो M1:X2 प्लस M2:X1 बाई M1+M2 और M1:Y2 प्लस M2:Y1 बाई M1+M2 और M1:Z2 प्लस M2:Z1 बाई M1+M2। अगर M1 बाई M2 पॉजिटिव है तो R जो है वो इंटरनली डिवाइड करता है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया। और अगर M1 बाई M2 जो है वो नेगेटिव है तो वो आपको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। मान लीजिए PQ है और R या तो इधर होगा या इधर होगा, ठीक है, मतलब इस लाइन के बाहर में होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। वो देखना है आपको कि M1 M2 या पॉजिटिव दिया गया है या नेगेटिव दिया गया है। पॉजिटिव दिया गया है इसका मतलब समझना है कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, नेगेटिव दिया गया है इसका मतलब समझना है कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। और मिड पॉइंट जो होता है PQ ज्वाइनिंग का X1 Y1 Z1 और X2 Y2 Z2 का, उसका मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा X2 प्लस Y2 और Y1 प्लस Y2 बाई 2 और Z1 प्लस Z2 बाई
टू, तो इसका मतलब हो गया मिड टर्म वाला, तो टू से इसको डिवाइड कर देंगे। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल निकालना है, मान लीजिए एक ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया गया एक्स वन जेड वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू और एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, तो वो वर्टिसेस है ट्रायंगल ए बी सी का, उसका सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए करना पड़ेगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री बाई थ्री, तो ये आपको हो जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ गिवन ट्रायंगल विच हैव कोऑर्डिनेट एज विच हैव पॉइंट एज एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बात करते हैं एक लाइन का, तो इफ अल्फा बीटा गामा विद एंगल मेड बाई अ लाइन विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, कोई अगर एक लाइन हमने ड्रॉ किया है एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे और वो मान लीजिए वो एंगल बनाता है अल्फा एक्स एक्सिस से और बीटा बनाता है वाई एक्सिस से और गामा बनाता है जेड एक्सिस से, तो जो हमारा जो कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा मतलब उसी का कॉस जो है उस एंगल्स का कोसाइन जो है वो हमारा डायरेक्शन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दैट लाइन कहलाता है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं एल एम और एन से। समझ में आया? जैसे कि अगर कोई जो एक लाइन है वो अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, बीटा एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से और गामा एंगल बना रहा है जेड एक्सिस से, तो उसका जो कोसाइन होगा वही डायरेक्शन कोसाइन होगा और उसका जो उसको डिनोट करते हैं हम लोग एल एम एन से, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। द रिलेशन और रिलेशन बिटवीन एल एम एंड एन इज गिवन बाई एल एम स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये चीज ध्यान में रखना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे को ध्यान में रखना। डायरेक्शन क्वेश्चन है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली 1 0 0 0 एंड 0 1 0 0 1 0 0 1, ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब वाई एक्स को वन लेना है बाकी को जीरो, वाई एक्सिस मतलब वाई को वन लेना है बाकी को जीरो, जेड एक्सिस मतलब जेड को जीरो वन लेना है बाकी को जीरो, ठीक है, और डायरेक्शन क्वेश्चन का स्क्वायर के प्लस इक्वल टू वन होता है। अब बात करते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियो के बारे में, डायरेक्शन क्वेश्चन हमने बात की, अभी हम बात करेंगे हम लोग डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। एनी थ्री नंबर्स ए बी सी प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन, ठीक है, मान लीजिए कोई तीन नंबर है ए बी सी हमारा जो कि प्रोपोर्शन है प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन से, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो हो जाएगा एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी, ये आपको हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो मतलब रेशियो। अब मान लीजिए कोई तीन तीन पॉइंट दिया गया है जो कि प्रोपोर्शनल है हमारे डायरेक्शन कोसाइन से जो कि एल एम एन है, और उसका जो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा वो उसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। इट इज ईजी टू सी दैट देयर कैन बी इन्फाइनेटली मेनी सेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फॉर गिवन लाइन, ठीक है, यहाँ पे कोई एक लाइन का जो है मेनी सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, तो ऐसा नहीं समझना कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन रेशियो होता है, उसका मेनी सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियो हो सकता है क्योंकि एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट लाई करते हैं, है कि नहीं, तो इसी कारण से उसका मेनी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियो का सेट हो सकता है। रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो के बीच में रिलेशन हमें समझना है, तो उसका रिलेशन क्या होता है कि एल बाई ए इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी, ये हमने अभी पढ़ा डायरेक्शन रेशियोज में, उसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्शन रेशियो का, इसको हम लोग इसको ये भी होता है एल स्क्वायर, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इस रिलेशन को भी याद करना है आपको, ठीक है, इसको भी याद करना, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये सब याद रख लेना। तो इसका रिलेशन कैसे होता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का, तो एल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू एल क्यूब प्लस एम क्यूब प्लस एन क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और अब रिस्पेक्टिवली अगर निकालोगे एल का एम का एन का तो सेपरेटली, तो एल इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम होता है प्लस माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन होता है प्लस माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस सबको याद कर रहा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सिस, कोई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन अब हमें निकालना है, तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स,
हम सीखते हैं पहले डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दो लाइन जॉइनिंग का निकालने के लिए। तो लेट ए जो है वो एक पॉइंट है और बी है जो पॉइंट है, और दोनों पॉइंट जो है उसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी जो है वो दिया गया है एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन और जेड टू माइनस जेड वन हो जाएगा, और डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाएगा वो वन बाई आर एक्स टू माइनस एक्स वन, वन बाई आर वाई टू माइनस वाई वन, वन बाई आर जेड टू माइनस जेड वन, वेयर आर इज इक्वल टू रूट अंडर सिग्मा ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी, मतलब मॉड ऑफ ए बी मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको, अगर कोई दो लाइन दिया गया है तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा वो एक्स टू माइनस एक्स, दो पॉइंट दिया गया है उस लाइन लाइन बन रहा है तो जो उसका डायरेक्शन रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, और उसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वन बाई आर एक्स टू माइनस एक्स वन, वन बाई आर वाई टू माइनस वाई वन और वन बाई आर जेड टू माइनस जेड वन, जहाँ पे आर जो होगा वो रूट अंडर सिग्मा ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, ये सब याद रखने वाला है, ठीक है, ये सब याद कर लेना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मतलब थ्री डी में सभी इसी यही सब फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन रेशियो का क्या फार्मूला होता है, डायरेक्शन कोसाइन का क्या फार्मूला होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाला जाता है, वो सब चीज़ आपको क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इससे, कॉमेडी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मूला पर सिर्फ बेस्ड होगा और फॉर्मूला अगर लगाते हैं याद रहता है तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑन अदर लाइन, अब सीखना है हमें किसी एक लाइन का किसी दूसरे लाइन पर प्रोजेक्शन, मान लीजिए कि ये भी लाइन दिया गया है और पी क्यू का प्रोजेक्शन मैंने ऐसे किया है, ये किसी भी वे में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है, और ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, ठीक है, ऐसे वैसे सब तरह से हो सकता है। लेट पी क्यू बी अ लाइन सेगमेंट विथ पी एक्स वन वाई वन जेड वन और क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू, एंड लेट एल बी अ स्ट्रेट लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइन्स आर एल एम एन, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन द लाइन एल इज एल मॉड ऑफ एल एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन जेड टू माइनस जेड वन। मान लीजिए कोई एक लाइन दिया गया है पी क्यू, उसका पॉइंट्स है वो एक्स वन वाई वन जेड वन है, एक्स टू वाई टू जेड टू है, और जो एल है वो एक स्ट्रेट लाइन है, उसका डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है एल एम एन, और तो वो जो लेंथ हो जाएगा प्रोजेक्शन का पी क्यू लाइन पे वो हो जाएगा हमारा डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द प्रोजेक्टेड लाइन इंटू एक्स कोऑर्डिनेट डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट, समझ पा रहे हैं आप, एल इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस एम इंटू वाई टू माइनस वाई वन प्लस एन इंटू जेड टू माइनस जेड वन, इट इज़ टू लर्न, सब ही लर्न करने हैं आपको। अब सीखते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स विथ डायरेक्शन कोसाइन्स एल एम एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू, ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा दिया गया है, एक एंगल है दो लाइन के बीच में जिसका डायरेक्शन कोसाइन्स है एल वन एम वन एन वन और एल टू एम टू एन टू, तो कॉस थीटा जो होता है वो हमारा होता है एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई एंगल दिया गया है दो लाइन के बीच में और उसका जो कोसाइन होता है वो होता है कोसाइन जो होता है वो प्रोडक्ट एंड एडिशन ऑफ सबसिक्वेंट देयर डायरेक्शन कोसाइन, मतलब एल वन एम एम एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू, ठीक है। और अगर मान लीजिए थीटा निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है दो लाइन का, तो ऐसे निकलेगा कॉस थीटा करके निकलेगा, उसको इन्वर्स ले लेना आप, थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स इतना, तो ये आपको निकल जाएगा थीटा। इफ ए वन बी वन सी वन एंड ए टू बी टू सी टू आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द टू लाइन्स देन एंगल थीटा बिटवीन देम इज गिवन बाय, तो ये तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन से फॉर्मूला हुआ, डायरेक्शन रेशियो अगर दिया गया है ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू तो कैसे निकलेगा एंगल, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बाय रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अगर मान लीजिए डायरेक्शन रेशियो दिया गया, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है, तो सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट प्लस होता है, और डायरेक्शन रेशियो अगर दिया गया है तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म अब सीखना है हमें, कब परपेंडिकुलर होगा कब पैरेलल होगा। तो लेट द टू लाइन्स हैव द डायरेक्शन कोसाइन्स गिवन बाय एल वन एम वन एंड वन एल टू एम टू एंड टू रेस्पेक्टिवली देन आर परपेंडिकुलर इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर दो लाइन कब होता है, जब हमारा
थीटा जो है वो 90 डिग्री होता है, तभी हमारा दो लाइन परपेंडिकुलर होता है। और दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो अगर कॉस थीटा का निकालेंगे तो हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो निकल जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो बिकॉज कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो निकल गया तो हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन। परपेंडिकुलर कंडीशन ये होगा डायरेक्शन कोसाइंस के रिस्पेक्टिव में कि एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ऑल्सो टू लाइन आर पैरेलल इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, और थीटा कब जीरो होता है, और थीटा जब जीरो होता है तो कॉस क्या होता है, कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है। तो कॉस वन यहाँ पर बैठा देंगे, वन यहाँ पर बैठा देंगे, वन यहाँ पर बैठा देंगे तो हमारा एल वन एल टू प्लस एम वन एम टू प्लस एन वन एन टू का रिलेशन निकल जाएगा, तो वो निकल जाएगा हमारा एल वन बाई एल टू प्लस इक्वल टू एम वन बाई एम टू प्लस एन वन बाई एन टू। ठीक है, इफ इन स्टेड ऑफ डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो अगर दिया गया है वन ए टू बी ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू, तो वहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा कब होगा, जब ए वन ए टू बी वन प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो होगा। और पैरेलल तब होगा, कब होगा, जब ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू होगा। सिमिलर टू डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, सब बहुत ज़्यादा ईजी फॉर्मूलाज हैं और ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। अब हमें सीखना है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कैसे निकाला जाता है इन सिमेट्रिकल फॉर्म। सबसे पहले हमें सीखना है वन पॉइंट फॉर्म। अगर मान लीजिए एक पॉइंट दिया गया है एक्स वन वाई वन जेड वन और ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड एल एम एन एंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन द इक्वेशन इज। मान लीजिए कोई एक पॉइंट दिया गया है एक लाइन पे और उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है एल एम एन, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा हमारा x माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बाई वाई जेड वन बाई एन इज इक्वल टू आर। मान लेते हैं हम लोग आर से। ठीक है, और आर निकालने के लिए इसका कुछ मेथड होता है। ठीक है, वो आपको सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट पी एक्स वन प्लस एल आर वाई वन प्लस एम आर प्लस जेड वन प्लस एन आर इज अ जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट ए एक्स वन वाई वन जेड वन दैट इज ए पी इज इक्वल टू आर। वन शुड नोट दैट द फॉर ए पी इज इक्वल टू आर एल एम एन मस्ट बी डायरेक्शन कोसाइंस नॉट डायरेक्शन रेशियोज। इफ ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन देन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू आर, बट हेयर ए पी इज नॉट इक्वल टू आर। ठीक है, समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू टू पॉइंट्स, मान लीजिए एक लाइन को हमने समझ लिया। अब अगर दो पॉइंट दिया गया है एक्स वन वाई वन जेड वन वाई एक्स टू वाई टू जेड टू, तो इक्वेशन क्या होगा इसका, इसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक लाइन एक पॉइंट दिया गया था एक लाइन पे और लाइन का डायरेक्शन क्वेश्चन दिया गया था, तो यहाँ पे था एक्स माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वाई वाई एन इज इक्वल टू आर। और यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए दो लाइन दिया गया है तो उसका हो जाएगा एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन। ठीक है, अब सीखते हैं हम लोग फुट लेंथ एंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। एक परपेंडिकुलर लाइन का फुट निकालना है हमें, लेंथ निकालना है और इक्वेशन निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, एक पॉइंट से लाइन तक में ड्रॉ किया था। तब मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन बी एक्स माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बाई एन इज इक्वल टू आर। ठीक है, लेट आर एंड ए अल्फा बीटा गामा विद द पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द लाइन वन इज पी एल आर प्लस एक्स वन एम आर प्लस वाई वन एन आर प्लस जेड वन। इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसको हमने मान लिया सेकेंड इक्वेशन। तो इफ इट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, अगर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है फ्रॉम ए ऑन द लाइन देन ए पी इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। सो एल एल आर प्लस एक्स वन माइनस अल्फा प्लस एम एम आर वाई वन माइनस बीटा प्लस एन एन आर प्लस जेड वन माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो, दैट इज आर इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स वन एल प्लस बीटा माइनस वाई वन एम प्लस गामा माइनस जेड वन एन। और इसको हम लोग कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर जब वन है तो पुटिंग दिस वैल्यू आर इन टू, ये हम लोग आर का वैल्यू जो है वो टू में रखते हैं अगर ये वैल्यू, तो हमारा क्या आता है सॉल्व करने पे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हमारा आ जाता है पॉइंट ए से लाइन के बीच में। तो सिंस लेंथ क्या हो जाएगा, सिंस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पी इज नोन लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ए पी इज इक्वल टू रूट अंडर एल आर प्लस एक्स वन माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस एम आर प्लस वाई वन माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस एन आर प्लस जेड वन माइनस गामा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमारा निकालने के लिए ये फॉर्मूला हुआ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला हुआ। याद रखना है आपको, इसमें कोई डेरिवेशन वगैरह अभी नहीं सीखना है आपको, उस पर अब ध्यान मत देना।
आप एकदम याद कर लो इसको, ठीक है। नो एनी अदर मेथड, सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना है कि आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, तभी आपको कॉमेडी के में अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। फॉर कॉमेडी के आई एम टेलिंग यू हैव टू लर्न इट फॉर श्योर। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा, हमने फुट और लेंथ निकाल लिया, अब इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर जो हमारा हो जाएगा वो एक्स माइनस अल्फा बाई, यहाँ पर जो हमने फुट निकाला था, एल आर प्लस एक्स वन माइनस अल्फा बाई एम आर इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा बाई एम आर प्लस वाई वन माइनस बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई एन आर प्लस जेड वन माइनस गामा। इट इज द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हम लोग अब सीखते हैं, हमने इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर सीख लिया, अब सीखते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। इक्वेशन ऑफ लाइन हमने सीख लिया, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर सीख लिया, फुट निकालने के लिए सीख लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। अब हम लोग सीखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन निकालने के लिए। द इक्वेशन ऑफ एवरी प्लेन इन ऑफ द फर्स्ट डिग्री दैट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो इन विच ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स वेयर ए प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज ए बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो साइमल्टेनियसली देन फर्स्ट में हमें सीखना है वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए। तो अगर मान लीजिए इफ ए जो है वो पोजिशन वैक्टर है ऑफ अ पॉइंट ऑन द प्लेन और एन जो है वो वैक्टर नॉर्मल टू द प्लेन है देन इट्स वैक्टोरियल इक्वेशन इज गिवन बाय। जब एक ए जो है वो पोजिशन वैक्टर है पॉइंट का ऑन द प्लेन और एन जो है वो वैक्टर नॉर्मल है मतलब नॉर्मल परपेंडिकुलर का जो है वो वैक्टर है और प्लेन का और जिसका इक्वेशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो या फिर आर डॉट एन इज इक्वल टू डी और जहाँ पे डी इज इक्वल टू होता है हमारा ए डॉट एन, ठीक है। डॉट डॉट प्रोडक्ट होता है इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो ये फार्मूला भी याद रखना, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो और या फिर आर डॉट एन इज इक्वल टू डी और जहाँ पे डी हो जाएगा ए डॉट एन, ठीक है। इसको समझ लेना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब हमें सीखना है इक्वेशन प्लेन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट्स प्लेन। जब इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन बोला जाएगा तो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ जेड एक्स प्लेन बोला जाएगा तो वाई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ऑफ वाई एक्स वाई प्लेन हो जाएगा तो जेड इज इक्वल टू जीरो। और ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। यहाँ बोला जाएगा कि जो है जो लाइन है वो इक्वेशन वाई जेड प्लेन पे है ये ऐसे करके तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो, और अगर जेड एक्स प्लेन पे होगा तो वाई इज इक्वल टू जीरो और एक्स वाई प्लेन पे होगा तो जेड इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन एट अ डिस्टेंस सी इज जेड इज इक्वल टू सी, ठीक है। अगर एक कोई एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि पैरेलल है एक्स वाई प्लेन से, उसका डिस्टेंस सी है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा जेड इज इक्वल टू सी। सिमिलरली उसी तरह से प्लेन्स पैरेलल टू वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन आर रेस्पेक्टिवली एक्स इज इक्वल टू सी एंड वाई इज इक्वल टू सी। वैसे ही जब प्लेन पैरेलल रहेगा वाई जेड प्लेन के और जेड एक्स प्लेन के, तो अगर वाई जेड एक्स प्लेन के पैरेलल रहेगा तो उसका इक्वेशन हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी और अगर जेड एक्स प्लेन के पैरेलल रहेगा तो उसका इक्वेशन हो जाएगा वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू द एक्सिस अब निकालना है हमें, सीखना है हमें प्लेन का एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, उसका इक्वेशन हमें निकालना है। अगर कोई प्लेन पैरेलल है एक्सिस से तो उसका इक्वेशन निकालना है। मान लेते हैं हम लोग इफ ए इज इक्वल टू जीरो है और द प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया गया है, दैट इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल एक्स एक्सिस इज गिवन बाय बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई एक प्लेन है उसका ए जीरो है और वो पैरेलल दिया गया है एक्स एक्सिस, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो है ए इज इक्वल टू जीरो है और एक्स एक्सिस से पैरेलल है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस क्या हो जाएगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी, यहाँ पे हम लोग वाई को वाई वाला हटा देंगे और यहाँ पे जेड वाला हटा देंगे, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू जीरो रेस्पेक्टिवली। ये सब याद रखना है आपको, सभी लर्न करने वाला चीज़ है इसमें, ठीक है। ये सब फॉर्मूलाज है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि फॉर्मूला एकदम याद रहना चाहिए तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन सीखना है हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, तो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट। मान लीजिए कोई एक प्लेन है वो एक एक्सिस पे ए बी सी का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो कैसे हम सीखते हैं इंटरसेप्ट मान लीजिए ऐसे कर सकते हैं, ये एक लाइन है तो उसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यही सीखना है हमें कि मान लीजिए कोई प्लेन है वो एक्सिस पे ए बी सी का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो उसका जो फॉर्म इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वन।
क्वेश्चन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, हमें नॉर्मल फॉर्म में अब सीखना है कि प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है। तो अगर इफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज पी, अगर एक ले अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लेंथ है प्लेन का ओरिजिन से वो पी है, और डायरेक्शन क्वेश्चन जो दिया गया है ऑफ दिस परपेंडिकुलर आर एल एम एन दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज एल एक्स प्लस वाई एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। ठीक है, जहाँ पे पी एक कोई हमने मान लिया है उसको निकाला जा सकता है। ठीक है, ये सब तरीका याद रखना कि मान लीजिए इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे होता है, तो एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी प्लस जेड वाई सी होता है, और नॉर्मल फॉर्म में कैसे होता है तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड होता है इक्वल टू पी, और जब एक्सिस पर रहेगा तो वाई जेड प्लेन के अगर पैरेलल रहेगा तो जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे करके याद रखना आपको फॉर्म में हर फॉर्म। अब जैसे वेक्टर फॉर्म वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है अगर ये फॉर्म में है तो आर डॉट यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी होता है। ठीक है, आर डॉट मतलब पॉइंट जो दिया गया है वेक्टर फॉर्म में, जो पॉइंट दिया गया है आपको उतना डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट इज इक्वल टू डी होता है डिस्टेंस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू थ्री पॉइंट्स, अब हमें सीखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू थ्री पॉइंट, तीन पॉइंट दिया गया है उसके थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन सीखना है हमें। तो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू थ्री नॉन क्लिनियर पॉइंट, नॉन क्लिनियर पॉइंट दिया गया है मतलब एक लाइन पे नहीं है, मतलब ये है, ये है, ऐसा है या फिर जैसा भी आप बोलो, बट एक लाइन पे आपको नहीं है ये। ठीक है, एक लाइन पे नहीं है इसका मतलब होता है नॉन क्लिनियर, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लीजिए x1 y1 z1 और x2 y2 z2 और x3 y3 z3 वही तीन पॉइंट्स है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा डिटरमिनेंट फॉर्म में निकालना पड़ता है, जो कि होता है हमारा x y z1 और x1 y1 z1 1 x2 y3 y2 z2 1 x3 y3 z3 1 ठीक है इक्वल टू जीरो, तो ऐसे इसका इक्वेशन निकलता है। ठीक है, थ्री पॉइंट्स फॉर्म में कैसे निकलेगा तो डिटरमिनेंट करके, वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे निकलेगा आप नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन तो उसका पॉइंट का वेक्टर फॉर्म इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू डिस्टेंस, और इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म कैसे निकलेगा तो एल एक्स प्लस वाई वन एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, मान लीजिए पी वो कुछ मैंने मान लिया और वो निकाला जा सकता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वन, इस वे में ये निकाला जा सकता है। तो सभी फॉर्म को आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी फॉर्म और ये आपको बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। चलिए फोर्टीन पॉइंट पर आते हैं, वो हमारा है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, हमें सीखना है अब एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए दो प्लेन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, और ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड प्लस डी डैश इज इक्वल टू जीरो, ये हमारा दो प्लेन है, तो इसका एंगल बीच निकालने के लिए क्या करना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू रूट अंडर ए डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेरी इजी। दो प्लेन दिया गया है दोनों का क्वारिटी, पहले तो हमें कोएफिशिएंट लेना है एक्स वाई जेड का दोनों प्लेन का, तो डिनोमिनेटर cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई बोथ प्लेन्स का प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जेड बोथ प्लेन्स का बाई पहला तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर और एड एडिशन रूट अंडर के अंदर में, उसके बाद उसका प्रोडक्ट हो जाएगा सेकंड प्लेन के कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का स्क्वायर प्लस। ठीक है, तो ये समझ जाना आप, इसको भी याद कर लेना। प्लेन्स आर परपेंडिकुलर इफ, जब प्लेन्स परपेंडिकुलर हो तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारा, जब जीरो हो जाएगा देंगे तो ए डैश प्लस ए डैश प्लस बी बी डैश प्लस सी सी डैश इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और पैरेलल होने के लिए कॉस थीटा इज इक्वल टू वन होता है हमारा, और कॉस थीटा वन हो जाएगा तो हमारा ए बाई ए डैश इज इक्वल टू बी बाई बी डैश इज इक्वल टू सी बाई सी डैश, सिमिलर है आपको इससे जैसा आपने एंगल बिटवीन लाइन निकाला था या टू पॉइंट्स के बीच में निकाला था। ठीक है, तो उसी तरह से ये सिमिलर है। प्लेन पैरेलल टू गिवन टू अ गिवन प्लेन, अगर कोई प्लेन पैरेलल है गिवन प्लेन से दूसरा क्या होता है इक्वेशन, तो मान लीजिए इसका इक्वेशन प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ए एक्स प्लस बी वाई जेड इज क्या हो जाएगा आपको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी डैश इज इक्वल टू जीरो, और डी डैश इज टू बी फाउंड बाई अदर गिवन कंडीशन, और जो गिवन कंडीशन दिया गया है उससे आपको डी डैश निकल जाएगा। समझ में आया, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, मान लीजिए एक लाइन है और एक प्लेन है तो उसके बीच में एंगल कैसे निकलेगा ये अब हमें सीखना है। तो मान लीजिए लेट द लाइन लेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एंड प्लेन बी एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बाई वाई एन, और जो है प्लेन का जो इक्वेशन दिया गया है वो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो दिया गया है रेस्पेक्टिवली, एंड थीटा बी द एंगल विच लाइन मेक्स विद द प्लेन। ठीक है, और थीटा जो है वो एंगल बनाया जाता है लाइन से प्लेन पे, तो पाई बाई टू माइनस थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल टू द प्लेन, तो पाई बाई टू बाई थीटा क्या हो जाएगा हमारा, तो जो एंगल हो जाएगा वो लाइन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन के बीच में हो जाएगा वो एंगल। ठीक है, सो साइन थीटा इज इक्वल टू ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
इंटू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आया डायरेक्शन कोसाइन और उसका जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करके भाई डिवाइड करके रूट अंडर के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। अगर पैरेलल होगा लाइन पैरेलल प्लेन के तो थीटा इक्वल टू जीरो होगा, तो उसका वैल्यू हो जाएगा हमारा इक्वेशन हो जाएगा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे ए जो है वो हमारा प्लेन का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी जो है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वाई है, और सी जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ जेड है, एल जो है वो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन है, एम जो है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन है, एन जो है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ऑफ लाइन है। अगर लाइन परपेंडिकुलर होगा तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो होता है, या साइन थीटा इक्वल टू वन होता है, यहाँ पर साइन होगा तो साइन थीटा इक्वल टू वन होता है। देखिए लाइन में हमने दो पॉइंट के बीच में हम लिया था, लाइन के बीच में एंगल था थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे दो प्लेन के बीच में भी कॉस थीटा, बट एक लाइन और एक लाइन के बीच में साइन थीटा लेना, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, दो लाइन के बीच में कॉस थीटा, दो प्लेन के बीच में कॉस थीटा, और एक लाइन एंड वन प्लेन के बीच में साइन थीटा। ठीक है, ये चीज़ को याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका हो जाएगा फॉर्मूला इक्वेशन ए बाई एल इजक्वल टू बी बाई एम इजक्वल टू सी बाई एन, कंडीशन इन ऑर्डर दैट द लाइन मे लाई ऑन द गिवन प्लेन। ठीक है, कौन सा कंडीशन है उसके उसको शो करता है कि लाइन जो है वो प्लेन पे लाइन की लाई करेगा या नहीं करेगा। तो मान लीजिए लाइन दिया गया एक्स माइनस एक्स वन बाई एल इजक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई जेड बाई एम इजक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई एन विल लाई ऑन द प्लेन। प्लेन दिया गया हमारा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजक्वल टू जीरो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि प्लेन कब लाई करेगा, जब जब ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इजक्वल टू जीरो है, या फिर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इजक्वल प्लस डी इजक्वल टू जीरो है, तभी जो है वो लाई करेगा इस पे प्लेन पे। ठीक है, वो लाइन प्लेन पे लाई करेगा, इस कंडीशन को चेक करना है, जब पूछा जाएगा कि लाइन जो है वो प्लेन पे लाई करता है या नहीं करता है। अब देखिए हम सीखते हैं पोजिशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू अ प्लेन। एक प्लेन दिया गया है उसके रिस्पेक्ट में दो पॉइंट्स का पोजीशन क्या होगा, तो मान लीजिए दो पॉइंट दिया गया है हमारा P x1 y1 z1 Q x2 y2 z2 आर ऑन द सेम और अपोजिट साइड्स ऑफ द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, या तो वो सेम साइड में है या फिर डिफरेंट डिफरेंट साइड में है, पी क्यू पॉइंट्स मतलब अपोजिट साइड में है, तो अकॉर्डिंग टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी एंड ए एक्स प्लस टू प्लस वाई वाई बी वाई टू प्लस सी जेड जेड टू प्लस डी इजक्वल आर ऑन सेम और अपोजिट साइन। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक प्लेन दिया गया है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इजक्वल डी प्लस डी इजक्वल टू जीरो, तो या तो वो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन होगा प्लस डी और ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी होगा, या फिर अगर अपोजिट साइड में होता है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हमें सीखना है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन द प्लेन। मान लीजिए कोई एक पॉइंट दिया गया है पी, उसका हमें इमेज निकालना है क्यू, या फिर क्यू दिया गया उसका पी निकालना है इमेज, मतलब इमेज मतलब किसी एक प्लेन जो दिया गया है उसके प्लेन पे कोई एक पॉइंट दिया गया ऊपर में उसका इमेज नीचे में हो जाएगा। जैसे मिरर आप समझते हैं, मिरर है आपका, ठीक है, मिरर में क्या होता है, यहाँ पे आप पॉइंट है और यहाँ पे मान लीजिए इमेज बनता है सेम डिस्टेंस पे, फिजिक्स में पढ़ा होगा जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना डिस्टेंस जो है वो इमेज का भी होता है हमारा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है कि इमेज का निकालना है हमारा पॉइंट। ठीक है, इमेज का हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस निकालना है, तो मान लीजिए इमेज ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट दिया गया है एक्स वन वाई वन जेड वन और प्लेन दिया गया है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इजक्वल टू जीरो इज ए क्यू एक्स वाई टू एक्स टू वाई टू जेड टू एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ पॉइंट पी ऑन द प्लेन इज इतना। ठीक है, मान लीजिए इमेज दिया गया है पी का क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू और फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट पी दिया गया है ऑफ पॉइंट पी ऑन प्लेन दिया गया है एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री जो कि आर है। देन जे इसका कंडीशन क्या है कि x3 थ्री माइनस एक्स वन बाई ए इजक्वल टू वाई थ्री माइनस वाई वन बाई बी इजक्वल टू जेड थ्री माइनस जेड वन बाई सी इजक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ को भी याद कर लेना। और दूसरा हो जाएगा x2 टू माइनस एक्स वन बाई ए एक्स वाई टू माइनस वाई वन बाई बी इजक्वल टू जेड टू माइनस जेड वन बाई सी इजक्वल टू माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ को याद कर लेना। इमेज ऑफ पॉइंट मान लीजिए दिया गया है पी पॉइंट का कि एक्स वन वाई वन जेड वन का एक्स टू वाई टू जेड टू और उसका फोटो परपेंडिकुलर दिया गया है हमारा एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री उस प्लेन पे, तो उसका क्या कंडीशन होगा, ये दोनों कंडीशन याद कर लेना।
कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन्स। अब हमें सीखना है दो लाइन कोप्लानर कब हो सकता है। तो मान लीजिए दो लाइन दिया गया हमारा एक्स वन एक्स माइनस अल्फा वन बाई एल वन इज इक्वल टू वाई माइनस बीटा वन बाई एम वन इज इक्वल टू जेड माइनस गामा वन बाई एम वन। ये हमारा दो दो लाइन दिया गया है। एक और लाइन जो है वो हमारा एक्स माइनस अल्फा टू बाई एल टू और वाई इज इक्वल टू वाई बी और इज इक्वल टू वाई माइनस बी टू बाई एम टू इज इक्वल टू जेड माइनस गामा बाई गामा टू बाई एन टू। ठीक है, तो ये दोनों प्लेन दिया गया है हमारा, ये दोनों लाइन दिया गया है। अब चेक करना है कि ये दोनों कोप्लानर है या नहीं। तो दीज लाइंस विल कोप्लानर इफ, ये दोनों लाइन कब कोप्लानर होगा, जब जब इसका डिटर्मिनेंट, जैसे डिटर्मिनेंट के अंदर क्या हो जाएगा, अल्फा टू माइनस अल्फा वन बाई एल बाई अल्फा वन अल्फा टू माइनस अल्फा वन एल वन एल टू और बीटा टू माइनस बीटा वन एम वन एम टू और गामा टू माइनस गामा वन एम वन एन वन एन टू। तो इज इक्वल टू जब जीरो होगा तो वो कोप्लानर होगा, या फिर द प्लेन कंटेनिंग द टू लाइन इज, और जब प्लेन कंटेनिंग जब दो लाइन जो प्लेन है वो दो लाइन कंटेन कर रहा है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स माइनस गामा वन वाई माइनस बीटा वन जेड माइनस गामा वन एल वन एम वन एन वन एल टू एम टू एन टू इज इक्वल टू जीरो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, किसी एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है उस गिवन प्लेन से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी ऑफ द पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन फ्रॉम द प्लेन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, वो हमारा होता है उसका फॉर्मूला मॉड ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी, जहाँ जहाँ एक्स का कोऑर्डिनेट वहाँ एक्स वन पॉइंट का बैठा देना और वाई का यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट और जेड का जेड कोऑर्डिनेट वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स एक्स वाई प्लस डिस्टेंस क्या हो जाएगा दो पैरेलल प्लेन के बीच में, तो इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ डी वन माइनस डी टू बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया, डी वन बाई डी टू जो हमारा इसका डिस्टेंस दिया रहता है दोनों पैरेलल के बीच में। अ लाइन अपीयर प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, अब जो निकालना है यहाँ पे हमें सीखना है कि अ प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, दो गिवन प्लेन है उसका जो इंटरसेक्शन लाइन है उसके थ्रू एक प्लेन है उसका इक्वेशन निकालने के लिए हमें सीखना है। मान लीजिए कंसिडर टू प्लेन्स यहाँ पे दिया गया है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश प्लस डी डैश इज इक्वल टू जीरो, देन पुटिंग y u प्लस गामा v इज इक्वल टू जीरो, गामा रियल पैरामीटर रिप्रेजेंट द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन्स एंड इफ प्लेन्स आर पैरेलल दिस रिप्रेजेंट्स द प्लेन पैरेलल टू देम। समझ में आया, द इक्वेशन u प्लस गामा v इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे गामा जो है वो रियल पैरामीटर है और रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन प्लेन इफ प्लेन आर पैरेलल दिस रिप्रेजेंट्स द प्लेन पैरेलल टू देम। समझ में आया, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच में बाइसेक्टर एंगल निकालना है। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, एंगल्स दो प्लेन के बीच में जो एंगल है उसका जो बाइसेक्टर है वो हमें अब निकालने के लिए सीखना है, उसका इक्वेशन कैसे निकलता है। लेट द इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो एंड ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए दो प्लेन हमारा दिया गया है, देन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स बिटवीन देम आर गिवन बाय, और उसका एंगल्स का बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया हो जाएगा फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए वन एक्स वन प्लस यू वन वाई वन प्लस बी वन वाई प्लस जेड सी वन जेड प्लस डी वन बाई रूट अंडर ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर। वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। समझ में आया, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग ओरिजिन, फर्स्ट मेक बोथ कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद देन पॉजिटिव साइन गिव द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन विच कंटेन द ओरिजिन। समझ में आया, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकालना है तो पहले तो कॉन्स्टेंट को पॉजिटिव बदलो और जो पॉजिटिव साइन है वही गिव कर रहा है हमारा बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच कंटेन द ओरिजिन। बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल, अब एक्यूट और ऑब्ट्यूस एंगल का बाइसेक्टर निकालने के लिए फर्स्ट मेकिंग बोथ कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव, पहले बोथ कॉन्स्टेंट टर्म को पॉजिटिव करो प्लेन का, तो जब ओरिजिन लाई करेगा ऑब्ट्यूस एंगल में कंडीशन क्या है, ए ए वन प्लस बी वी वन प्लस सी सी वन इज ग्रेटर देन जीरो और ए ए वन प्लस बी वी वन प्लस सी सी वन इज लेस देन जीरो हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल में। समझ में आया, तो यही सारा हमारा थ्योरीज था इस
चैप्टर को लेकर, थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री को लेकर। अब हम जो है वो क्वेश्चंस करेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन होम असाइनमेंट देंगे और हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, द फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए 2, 1, 2, बी 4, -2, 1 आर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन दिया गया है। आर डॉट यूनिट वेक्टर हमारा हो जाएगा वो आई वेक्टर माइनस 2k वेक्टर इज इक्वल टू 5। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना क्रॉसेस द प्लेन दस ऑब्टेन्ड। ठीक है, समझा, समझ में आया क्वेश्चन। पहले तो हमें इक्वेशन निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी, उसका जो कि परपेंडिकुलर है हमारा इक्वेशन प्लेन जो है, जो हमारा इक्वेशन निकला वो परपेंडिकुलर है हमारा इस इक्वेशन से, इस प्लेन से, और जब परपेंडिकुलर है तो वहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद जहाँ पे लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इतना है और क्रॉस द प्लेन जो हमें मिला, ठीक है इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट पी एक्स वाई जेड बी आ पॉइंट ऑन द प्लेन। ठीक है, पहले आप देखते जाओ कैसे कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। यही देखो, यही सारा ये जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसमें कैसे कौन सा मेथड यूज़ करना है वो आपको समझ में आएगा किस वे में सॉल्व करना है। विच ए 2, 1, 2 बी 4, -2 और 1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, ये हम मान लेंगे। उसके बाद जो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ए पी जो है, ए पी एंड ए बी लाई ऑन रिक्वायर्ड प्लेन, लाइक करेगा ना ये, क्योंकि हमने मान लिया पी जो है वो पॉइंट है वो प्लेन पे है ए बी पे। ठीक है, और हमारा तो ए पी एंड ए बी जो है वो लाइक करेगा प्लेन पे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर दिया गया है, प्लेन इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर माइनस टू के कैप इज इक्वल टू 5, इसके परपेंडिकुलर दिया गया है। तो अब नॉर्मल क्या हो जाएगा, पहले हम नॉर्मल निकालेंगे, नॉर्मल टू गिवन प्लेन, जो प्लेन हमारा दिया गया है ये, इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, एन वन इज इक्वल टू आई है हमारा आई माइनस टू के। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा प्लेन, और ये लाई करता है रिक्वायर्ड प्लेन पे जिसका हमें इक्वेशन निकालना है, इस पे लाई कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है, ए पी ए बी एंड एन वन आर को प्लानर, एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, तो उसका मतलब को प्लानर हो गया। तो जब को प्लानर हो गया तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ए पी क्या हमारा हो जाएगा, ए पी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू आई प्लस वाई माइनस वन जे प्लस जेड माइनस टू के। ये कैसे हो गया वो आपको ध्यान देना है। अब देखिए, ए जो है हमारा 2, 1, 2 है और बी है हमारा 4, -2, 1। तो यहाँ पे ए पी को लिख सकते हैं, ए हम ए पी को माना है एक्स और ए हमारा 2, 1, 2, तो ए पी को लिख सकते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट वाले निकाल निकालेंगे, तो एक्स माइनस टू आई कैप हो जाएगा, वाई माइनस वन जे कैप हो जाएगा और जेड माइनस टू के कैप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी जो हम अगर निकालेंगे तो ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ए बी निकालने के फिर वही चीज़ करना है, तो उसके लिए हो जाएगा हमारा 2i -3j- यहाँ पे हो जाएगा k। ठीक है, ए बी का कैसे निकालना है, इस तरह से निकालना है। ठीक है, इसमें आपको x के जहाँ पे 4 रख देना, समझ में आया। उसके बाद ए बी निकल गया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो आपको उसमें पढ़ना है, क्या कहते हैं वेक्टर में, तो उसका यूज यहाँ पर हो जाएगा। वैसे तो इस बार कॉमेंट के से हटा दिया गया है तो ये नहीं आएगा आपको, बट फिर भी आप सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स क्या होता है, ए पी डॉट ए बी डॉट एन वन इज इक्वल टू 0 होगा, समझ में आया। तो ये 0 होगा, तो इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, फिर एक्स माइनस टू वाई माइनस वन जेड माइनस टू और यहाँ पर हो जाएगा 2 -3 -1 और 1, 0, -2। कैसे आया ये इक्वल टू 0, कैसे आया ये, तो ए पी, ठीक है, ए पी का क्या है x-2 है, ए बी का क्या है हमारा, ए बी का क्या है 2 है हमारा, और फिर n का क्या है, n1 का क्या है, n1 का है हमारा 1।
और इसका जे 0 है और इसका के कैप में है -2, तो इसका सभी का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट के मेथड से, तो अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया। एक्स माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे और सिक्स माइनस जीरो हो जाएगा इंटू माइनस वाई माइनस वन इंटू माइनस फोर प्लस वन हो गया यहाँ पे प्लस जेड माइनस टू इंटू जीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हम फिर हम आगे अगले स्लाइड में जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपको 6x। सॉल्व करके आप देख लेना, ये 6x माइनस 12 होगा प्लस 3y हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3z माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। उसके बाद और सॉल्व करोगे आप तो 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7 हो गया हमारा ये। उसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब क्या है कि इसको अब जो दिया गया हमारा एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/-3 इज इक्वल टू जेड माइनस 1/5 इज इक्वल टू लैमडा, इसको मान लेते हैं 2। ऐसा कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पर देखिए बताता हूँ आपको कि ये पॉइंट्स जो है वो पास करेगा, वेयर द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, लाइन जो मैंने ऑब्टेंड किया वो पास करेगा इस पॉइंट से, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 4/-3 इज इक्वल टू जेड माइनस 1/-5 इज इक्वल टू लैमडा हमने मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया हमने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइन, हम निकालना है जनरल पॉइंट्स लिखना पड़ेगा, जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइन क्या हो जाएगा हमारा इज क्यू 2 लैम्डा प्लस 3 और ये हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1। समझ में आया कैसे किया, इसको मल्टीप्लाई किया इसे, इसको उधर ले गया, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जे कोऑर्डिनेट सिमिलरली निकल गया। अब क्या क्वेश्चन में दिया गया है कि एज लाइन 2 पासेज प्लेन 1, ठीक है, पासेज प्लेन 1 सो पॉइंट क्यू क्यू शुड सेटिस्फाई 1, करेगा ना सेटिस्फाई, करेगा सर्टिफाई, क्योंकि जो लाइन टू है वो क्रॉस कर रहा है हमारा प्लेन वन से, तो क्यू जो है वो जनरल पॉइंट्स ऑन द लाइन हमने निकाला है, ठीक है, लाइन जो है पॉइंट की लिखा होगा क्यू, तो क्यू जो है सर्टिफाई करेगा हमारा, करेगा सर्टिफाई क्योंकि हमने पॉइंट निकाला है यहाँ प्लान का। तो हैंस 2 जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में दिया गया है, यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हमने माना है, फर्स्ट इक्वेशन तो इधर ही माना है ना, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर देखिए 2 लैम्डा प्लस 3 प्लस माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 लैम्डा प्लस 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 4 ये हो गया प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से आएगा 6 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2/3 आपके हो गया। तो हमारा पॉइंट जो हो गया वो हो गया क्यू माइनस 4/3 प्लस 3 2 प्लस 4 और माइनस 10/3 प्लस 1, तो ये हमारा हो गया क्यू इज इक्वल टू 5/3 6 माइनस 7/3 ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट। कितना इजी था, था ना इजी बहुत ज़्यादा, जैसे बस सॉल्यूशन लंबा लंबा होता है, बाकी फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आराम से आप सॉल्व कर देंगे जैसे मैंने किया इजीली। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा है इफ द लाइन एक्स माइनस 1/-3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 लैम्डा इज इक्वल टू जेड माइनस 3/2 एंड एक्स माइनस 1/3 लैम्डा इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 6/-5 आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा हेंस फाइंड वेदर द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। पहले तो हमें लैम्डा अगर परपेंडिकुलर दिया गया है तो पहले तो हमें लैम्डा निकालना है, उसके बाद हमें निकालना है कि क्या ये इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें निकालना है, इस बात का आप ध्यान देना। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो लैम्डा का वैल्यू क्या निकलेगा, तो यहाँ से जो है गिवन इक्वेशन का लाइन है एक्स माइनस 1/-3 इज इक्वल टू वाई माइनस 2/2 लैम्डा इज इक्वल टू जेड माइनस 3/2 और दिया गया है एक्स माइनस 1/3 लैम्डा इज इक्वल टू वाई माइनस 1/2 इज इक्वल टू जेड माइनस 6/-5 ये हमारा दिया गया है। अगर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इफ दीज लाइंस आर
परपेंडिकुलर, देन क्या हो जाएगा, देन क्या कंडीशन है हमारा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, समझ में आया, डायरेक्शन रेशियो का हमने यहाँ पे ले लिया कंडीशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो क्या है, माइनस थ्री इंटू थ्री लैमडा हो जाएगा, प्लस बी वन बी टू क्या है हमारा, ये बी वन हो जाएगा, बी वन बी टू क्या है हमारा, टू लैमडा इंटू टू प्लस टू इंटू माइनस फाइव है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको सॉल्व करो अब, तो माइनस नाइन लैमडा प्लस फोर लैमडा माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो हमारा आ गया। तो इसको सॉल्व करो, माइनस फाइव लैमडा माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लैमडा इज इक्वल टू माइनस टू, लैमडा का वैल्यू बहुत ज़्यादा इजीली निकल गया। अब चेक करना हमें कि क्या ये इंटरसेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है हमें, अब यहाँ जो लाइन दिया गया है, ठीक है, लाइन जो दिया गया है उसके अब हम लैमडा का वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, नाउ लाइन्स आर एक्स माइनस वन बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई माइनस टू इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाई टू एंड एक्स माइनस वन बाई माइनस सिक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जेड माइनस सिक्स बाई माइनस फाइव। तो ये हमारा लाइन आ गया। अब क्या करना है, द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट अब पहले निकालो, ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ऑन द फर्स्ट लाइन, पे हम निकालते हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट लाइन, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई माइनस फोर, हाँ सॉरी यहाँ पे माइनस फोर होगा ना, माइनस टू इंटू टू माइनस फोर इज इक्वल टू जेड माइनस थ्री बाय टू इज इक्वल टू, अल्फा हमने मान लिया क्योंकि हमें मानना पड़ता है, पॉइंट निकालने के लिए। तो अब क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक्स को हम मान लेते हैं, एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री अल्फा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री अल्फा, माइनस भी होगा ना यहाँ पे, माइनस थ्री अल्फा प्लस वन, और वाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस फोर अल्फा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, वाई इज इक्वल टू माइनस फोर अल्फा प्लस टू, और जेड का क्या हो जाएगा, जेड माइनस थ्री इज इक्वल टू टू अल्फा, फिर ये क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू टू अल्फा प्लस थ्री, ये हमारा हो जाएगा इसका रिस्पेक्टिवली पॉइंट्स, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज क्या जाएगा, थ्री माइनस थ्री अल्फा प्लस वन माइनस फोर अल्फा, और ना अल्फा तुरंत एलिमिनेट हो जाता है, देखो कैसे एलिमिनेट होगा, टू अल्फा प्लस थ्री। अब ये सोचना मत, टेंशन मत, देखो सॉल्व करते हैं, अल्फा ले लेकर नहीं होगा तो सोचना मत, टेंशन मत लेना कि नहीं होता है, हो जाता है। तो यस क्या हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन सेकेंड लाइन इज क्या जाएगा, सेकंड लाइन का फर्स्ट लाइन एकदम निकाल लिया। अब सेकंड लाइन निकालते हैं, तो सेकंड लाइन क्या दिया गया, माइनस एक्स माइनस वन बाई माइनस सिक्स इजिकल टू वाई माइनस वन बाई टू इजिकल टू जेड माइनस सिक्स बाई माइनस फाइव, इसको हम मान लेते हैं बीटा, ठीक है। जब बीटा मानेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन इजिकल टू सिक्स बीटा, या फिर इसको हम ले सकते हैं एक्स इजिकल टू सिक्स बीटा प्लस वन, यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, वाई माइनस वन इजिकल टू टू बीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग वाई इज इक्वल टू टू बीटा प्लस वन, फिर यहाँ क्या जाएगा, जेड माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बीटा, और इसको लिख सकते हैं हम लोग जेड इज इक्वल टू माइनस फाइव बीटा प्लस सिक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन आर सिक्स बीटा प्लस वन टू बीटा प्लस वन माइनस फाइव बीटा प्लस सिक्स, ये हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करना है कि क्वेश्चन में दिया है कि चेक करना है इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं, तो अगर इंटरसेक्ट करेगा तो क्या होगा, इसका कोई ना कोई कॉमन पॉइंट होगा, तो क्या हम लिख सकते हैं, इफ इट इंटरसेक्ट देन इट विल हैव अ कॉमन पॉइंट, समझ में आया,
तो ये कौन पॉइंट होगा? सो फॉर सम वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा वी हैव, अल्फा बीटा को वैल्यू पे हमने क्या हो जाएगा, माइनस थ्री अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू माइनस सिक्स बीटा प्लस वन, क्योंकि कॉमन होता है पॉइंट, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस थ्री अल्फा इज इक्वल टू माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स बीटा हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो माइनस सिक्स बीटा जब हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस सिक्स बीटा यहाँ पे होगा तो हम लिख दिया यहाँ पे, इसका लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू टू बीटा, ठीक है। इसके बाद इतना सॉल्व आराम से हो जाएगा, उसके बाद इसको लिख सकते हैं एंड माइनस फोर अल्फा प्लस टू इज इक्वल टू टू बीटा प्लस वन, जैसे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो माइनस फोर अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू टू बीटा, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे अगर, तो ऑन सॉल्विंग वी हैव, सॉल्व करोगे तो वन बाई अल्फा इज इक्वल टू वन फाइव फाइव आएगा और बीटा इज इक्वल टू वन बाई टेन आएगा, ठीक है। तो अब चेक करना है हमें कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, थर्ड इक्वेशन जो है हमारा उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई करता है तो ये यहाँ पे आपको लाइक करेगा, वरना नहीं लाइक करेगा। तो अब चेक करोगे अगर इसमें जो इक्वेशन हमारा प्लेन आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और जो ये जो इसको लैम्डा निकालना, जो एक जो प्लेन आया है हमारा, अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो फिर ये इंटरसेक्शन है, वरना नहीं आया। तो चेक कीजिएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो देन जब इसको लिख सकते हैं द वैल्यूज और अल्फा एंड बीटा डू नॉट सेटिस्फाई द गिवन लाइन, हेंस लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। मान लो बोला गया इंटरसेक्शन है या नहीं चेक करो, तुम मान ही लो कि इंटरसेक्शन है, उसका चेक करो और जो वैल्यू निकलेगा उसके हिसाब से फिर उसको बैठा के देखो, अगर सेटिस्फाई करेगा तो हाँ, वरना नहीं, ठीक है। हाँ अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, वरना नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए हम थर्ड क्वेश्चन पाते हैं। तो हमारे थर्ड क्वेश्चन में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू माइनस वन टू एंड फाइव माइनस फाइव थ्री फोर एंड ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू एंड ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू इतना एंड इतना एंड इतना, उसे फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो पॉइंट ऑफ लाइन निकालना है, दो लाइन दो पॉइंट से पास करते हुए इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है तीन पॉइंट से पास करते हुए, और दोनों का जो लाइन आएगा हमारा और जो प्लेन आएगा उसका इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम जानते हैं, वी नो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है हमारा, एक्स माइनस पॉइंट दिया रहता है तो एक्स माइनस एक्स वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई जेड टू माइनस जेड वन होता है, ये होता है, हमने ये पढ़ा है अभी। सो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से, एक्स माइनस टू इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, दो लाइन दो पॉइंट दिया गया तो उसी इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन हो जाएगा हमारा यहाँ पे एक्स माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन मतलब प्लस वन हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर वाई टू माइनस वाई वन मतलब थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जेड माइनस टू बाई फोर माइनस टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे टू, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, प्लेन का इक्वेशन निकालना है। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू टू जीरो थ्री वन वन फाइव एंड थ्री टू फोर, इसको कैसे हम लिख सकते हैं, इसका क्वेश्चन कैसे निकलता है। तो इसका क्वेश्चन निकलता है, ये अपने पढ़ा है अभी, एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स थ्री माइनस एक्स वन और एक्स, तो ये निकलता है आपको, ये हो गया। फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन वाई थ्री माइनस वाई वन और यहाँ पे जेड माइनस जेड वन जेड टू माइनस जेड वन जेड थ्री माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब इस पर वैल्यू रखो, सो वैल्यू रखो तो क्या आ जाएगा हमारा, एक्स माइनस टू माइनस वन वन वाई माइनस ज़ीरो वन 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 एट टू यहाँ पर होगा ना टू टू, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपको जेड माइनस थ्री टू वन इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। उसके बाद आगे आगे सॉल्व करना है हमें,
इतना के बाद अब डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करो तो एक्स माइनस टू इंटू माइनस थ्री हो जाएगा, माइनस वाई इंटू माइनस वन माइनस टू प्लस जेड माइनस थ्री इंटू माइनस टू माइनस वन। ठीक है, ये डिटरमिनेंट के फॉर्मूला भी टूट गया है आपको। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स प्लस थ्री वाई माइनस थ्री जेड प्लस नाइन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम लिख सकते हैं, थ्री कॉमन लगे तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। इसको हम वन मान लेते हैं हम, ठीक है वन मान लेंगे इसको। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा हमारा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा, ये वन है हमारा। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट एक्स माइनस टू बाई थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस वन बाई फोर इज इक्वल टू, जो कि लाइन हमारा निकला है उसको इज इक्वल टू के। ठीक है, लाइन का इक्वेशन जो हमें निकला दिया गया, उसके बाद इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स इज इक्वल टू थ्री के प्लस टू वाई इजक्वल टू फोर के माइनस वन जेड इज इक्वल टू टू के प्लस टू। ठीक है, अब जो है इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे वन में, वन पुटिंग दिस वैल्यू इन वन, क्या मिल जाएगा माइनस थ्री के प्लस टू प्लस फोर के माइनस वन माइनस माइनस टू के प्लस टू प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमारा। उसके बाद उसको और सॉल्व करो तो बहुत ईजी, माइनस थ्री के माइनस टू प्लस फोर के माइनस वन माइनस टू के माइनस टू प्लस फाइव हो जाएगा हमारा इजक्ल टू ज़ीरो। इसका आ जाएगा टू के इजक्ल टू ज़ीरो, हेंस क्यू इजक्ल टू के इजक्ल टू ज़ीरो। देन इंटरसेक्शन पॉइंट कहा जाएगा एक्स इजक्ल टू थ्री के प्लस टू, ये कितना आ जाएगा टू, वाई इजक्ल टू फोर के माइनस वन इजक्ल टू कितना आ जाएगा माइनस वन, जेड इजक्ल टू टू के प्लस टू इजक्ल टू टू। ठीक है, तो ये कितना जाएगा टू माइनस वन टू, तो हमारा क्वेश्चन निकल गया और पॉइंट भी निकल गया। सो हम आया, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट इतना एंड इतना क्रॉसेज द प्लेन डिटरमाइंड बाय पॉइंट इतना एंड इतना एंड इतना इतना एंड इतना, मतलब जो वैल्यू दिया गया है समझ में। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिया गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालना है जहाँ पे लाइन पॉइंट जो दो पॉइंट दिया गया उसके थ्रू जो लाइन जो है और जो थ्री पॉइंट दिया गया उसके थ्रू जो प्लेन जो है और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है क्रॉस कर रहा है, तो वो जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालना है जहाँ पे क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ईजी निकल जाएगा, सबसे पहले हम इक्वेशन निकालते हैं, इक्वेशन थ्रू थ्री माइनस फोर माइनस फाइव एंड टू माइनस थ्री वन। ठीक है, तो इसके तो इसके थ्रू इक्वेशन क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई प्लस फोर बाई वन इज इक्वल टू जेड प्लस फाइव बाई सिक्स। तो इसका इक्वेशन ये हो जाएगा वन। ठीक है, अब जो इक्वेशन पासिंग थ्रू प्लेन है इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन थ्री माइनस वन। इसको डिटेल में यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि पिछले पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है, तो उस तरह से आपको समझ में आया जेड माइनस थ्री माइनस सिक्स जीरो। तो ये आपको इसी तरह से फॉर्मूला होता है इसका इज इक्वल टू जीरो, फिर डिटर्मिनेंट के मेथड में इसको तोड़ देना तो एक्स कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू ट्वेल्व माइनस वाई माइनस टू इंटू माइनस सिक्स प्लस जेड माइनस थ्री इंटू सिक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करो तो टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं टू। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लेट, अब क्या करना है लेट मान लो कि कोई पॉइंट जो है एनी पॉइंट ऑन वन, ठीक है कोई पॉइंट एक वन पे मान लेते हैं इज पी, ठीक है पी माइनस के प्लस थ्री और के माइनस फोर और सिक्स के माइनस फाइव, ये कैसे आया, तो ये आया हमारा
ऊपर वाले इक्वेशन से, जो कि हमारा आया था इक्वेशन ऑफ लाइन, ये आया हुआ इसी के थ्रू ने, ये मान लिया पॉइंट, ठीक है। इट लाइज, ये जो है बोला गया क्वेश्चन में कि इट जो है वो क्रॉस कर रहा है, तो इट लाइज ऑन प्लेन टू हमारा, ठीक है, प्लेन टू अप्लाई कर रहा है। हैंस टू माइनस के प्लस थ्री प्लस के माइनस फोर प्लस सिक्स के माइनस फाइव इजिकल माइनस सेवन इजिकल टू जीरो हो जाएगा, और इससे इसको सॉल्व कीजिएगा तो फाइव के इजिकल टू टेन और के इजिकल टू टू, तो हैंस पी जो हमारा पॉइंट हो जाएगा जो जिसके थ्रू क्रॉस कर रहा है वो हमारा हो जाएगा वन माइनस टू सेवन, ये हो गया आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इतना एंड इतना, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब क्या, शॉर्टेज डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, उसका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है बिटवीन द लाइन। तो दो वेक्टर दिया गया, वेक्टर फॉर्म दिया गया लाइन का, और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हमारा पहला जो दिया गया है वेक्टर फॉर्म में जो लाइन दिया गया है वो दिया, ये दिया गया हमारा फोर आई माइनस जे कैप प्लस लैमडा आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, ठीक है। और जो दूसरा क्या दिया गया है, ये दिया गया हमारा आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप प्लस म्यू इंटू टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फाइव के कैप, इससे हमारा क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, इसका कोएफिशिएंट हम मान लेते हैं, ठीक है, आई कैप जे कैप और जेड कैप का। तो देखिए इससे क्या निकल जाएगा हमारा, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा हमारा, फोर आई माइनस जे ए वन हो जाएगा, ए टू हो जाएगा हमारा आई माइनस जे कैप प्लस टू के कैप हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बी वन क्या हो जाएगा हमारा, बी वन हो जाएगा आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप, और बी टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस फोर के कैप फाइव के कैप, ठीक है। यहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू माइनस ए वन का वेक्टर उसका डॉट प्रोडक्ट बी वन क्रॉस बी टू बाई डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू, ठीक है। अब जो बी वन क्रॉस बी टू निकालना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकलता है, ये निकलता है आई मान लेना, जे कैप मान लेना, के कैप मान लेना, ऐसे क्या वैल्यू है वन टू टू फोर माइनस थ्री माइनस फाइव, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपको तो आपको आ जाएगा यहाँ पे बी वन क्रॉस बी टू इजिकल टू आई टू द पावर डिटर्मिनेंट के फॉर्म पे तोड़ देना, टेन प्लस ट्वेल्व माइनस जे इंटू माइनस फाइव प्लस सिक्स प्लस के इंटू फोर माइनस फोर आ जाएगा ये हमारा, उसके बाद कितना आ जाता है ये हमारा सॉल्व करने पर आ जाएगा टू आई माइनस जे कैप, टू आई माइनस जे कैप ही हमारा आ जाता है। उसके बाद आगे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर बी वन क्रॉस बी टू इजिकल टू रूट अंडर फोर प्लस वन, ठीक है, टू आई प्लस माइनस जे का कैसे निकलता है फॉर्म वैल्यू रूट अंडर करके निकलता है, रूट अंडर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड वाई के कोएफिशिएंट का जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इजिकल टू फाइव, ठीक है, फोर प्लस वन फाइव रूट अंडर भी रहेगा ना, रूट अंडर फाइव। हेंस तो क्या आ जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस थ्री आई प्लस जीरो जे कैप प्लस टू के कैप इंटू टू आई माइनस जे कैप बाई रूट अंडर फाइव। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा माइनस सिक्स बाई रूट अंडर फाइव, ठीक है, तो ये हो जाएगा सिक्स बाय रूट अंडर फाइव यूनिट आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये आंसर। सो इन सभी इजी एक ही तरह से निकालना है आपको, डिस्टेंस लाइन प्लेन सब उसी तरह से याद करना, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए और आराम से
इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स में दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइंस L1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, L2 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, वाई माइनस 14 इज इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 2 एंड L2 इज इक्वल टू 7 माइनस 7x बाई 3, पी इज इक्वल टू वाई माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू 6 माइनस जेड बाई 5 आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, वो परपेंडिकुलर दिया गया है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू लाइन L1, L3 2 और माइनस 3 जो है, माइनस 4 जो है वो पॉइंट दिया गया है उसके थ्रू। चलिए सब इक्वेशन जो दिया गया है हमारा इक्वेशन, हाँ क्या क्या दिया गया है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया गया, इक्वेशन को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 14 बाई पी इज इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 2 और ये दिया गया है 7 माइनस 7x बाई 3 पी इज इक्वल टू वाई माइनस 5 बाई 1 इज इक्वल टू, पी का वैल्यू निकालना है 6 से सुपर है तो 6 माइनस एक्स बाई 5, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा इन लाइंस का, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दीज लाइन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दीज लाइन क्या आ जाएगा, माइनस 3 पी बाई 7 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा माइनस 3 पी बाई 7 1 माइनस 5, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद जब दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये होता है और जब परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग जानते हैं वी नो परपेंडिकुलर जब होता है तो क्या हो जाता है, माइनस 3 इंटू माइनस 3 पी बाई 7 प्लस पी बाई 7 इंटू 1 डायरेक्शन रेशियो का मतलब मल्टीप्लिकेशन प्लस 2 इंटू माइनस 5 डायरेक्शन, याद करो जब परपेंडिकुलर होता है तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट और प्लस होता है 0 के बराबर। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा। तो पी का वैल्यू निकालने के लिए 9p प्लस 7, 9p बाई 7 प्लस पी बाई 7 इज इक्वल टू 10 है हमारा, माइनस 10 है, माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 10p बाई 7 इज इक्वल टू 10, यहाँ से p आ गया हमारा 7, ये पहला आंसर आ गया हमारा p इज इक्वल टू 7, ठीक है। कैसे निकाला, परपेंडिकुलर दिया गया है, डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया, सो पता है हमारे डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट और सम जो है वो 0 होता है जब परपेंडिकुलर होता है दो लाइन, तो ठीक है। तो वैल्यू हो गया पी का 7। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब जो दिया गया अब यहाँ पे क्या निकलना है कि प्लेन जो जो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इतना, ठीक है, एंड पैरेलल टू लाइन L1। तो अब हम क्या जानते हैं यहाँ पे, वी नो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 विथ डायरेक्शन रेशियोज a b c इज गिवन बाय, वो कैसे निकलेगा, उसका होता है फॉर्मूला क्या, x माइनस x1 बाई ए, डायरेक्शन रेशियो जब दिया गया है तो इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। अब इसी मेथड से हम लोग निकालेंगे इसको, ठीक है, जो इक्वेशन निकालना है हमें पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो अब निकल जाएगा ये, हेंस सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल दिया गया है क्वेश्चन में टू लाइन L1 है, सो ए इज इक्वल टू माइनस 3, बी इज इक्वल टू 7 बाई 7 इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 2, चूंकि पैरेलल दिया हुआ है इसलिए इस तरह से होगा। नाउ अब हम निकालना है, नाउ पॉइंट पासिंग पॉइंट दिया गया है कि नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 माइनस 4, ठीक है, इससे हमें निकालना है।
और डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियो दिया गया है माइनस थ्री वन और टू है निकाला है हमने, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस थ्री बाय माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस वन बाई वाई माइनस टू बाई जेड टू पॉइंट है ना, टू दिया गया है बाई वन इज इक्वल टू जेड प्लस फोर बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, हेंस थ्री माइनस एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई वन इज इक्वल टू जेड प्लस फोर इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या ये क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट्स इतना एंड इतना क्रॉसेस द प्लेन टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन, इतना एंड इतना मीन्स थ्री माइनस फोर माइनस फाइव टू माइनस थ्री एंड वन, ये दो पॉइंट दिया गया है इसके थ्रू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट वेयर द लाइन, लाइन देखिए तो पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना पड़ेगा हमें, समझ में आ रहा है, अब जो लाइन निकला वो क्रॉस कर रहा है प्लेन के, अब जो जिस पॉइंट से क्रॉस कर रहा है वो पॉइंट हमें फाइनली निकालना है, ये समझना है इस क्वेश्चन में। चलिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, फिर से सेम मेथड लगेगा, जो इसमें जो आपको क्लू क्लू देता हूँ या चलिए आपको फुल सब पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ, पॉइंट हम मान लेते हैं ए थ्री माइनस फोर माइनस फाइव है यहाँ पे एंड बी टू माइनस थ्री और वन दिया गया हमारा, ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, ए बी, ए बी यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस थ्री बाई टू माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस फोर, ये बहुत ही बहुत ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला है, आप देख लीजिए कैसे कैसे यूज होता है फार्मूला कहाँ कहाँ, तो फार्मूला मैंने इसलिए बोला था याद रख लो क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है, वन प्लस फाइव, अब यहाँ से क्या ले सकते हैं हम लोग, एक्स माइनस थ्री सॉल्यूशन करने के बाद माइनस वन इज इक्वल टू वाई प्लस फोर बाई वन इज इक्वल टू जेड प्लस फाइव बाई सिक्स, अब मान लेते हैं इसको लैम्बडा, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट निकालना है, हाँ मैंने बताया था मेटा वो कैसे पॉइंट निकालने के लिए क्या माना जाता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्बडा प्लस थ्री और वाई इज इक्वल टू लैम्बडा माइनस फोर हो जाएगा एंड जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिक्स लैम्बडा माइनस फाइव भी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद। सो एनी पॉइंट को पॉइंट जो है ऑन लाइन ए बी, ए बी का ही कोई पॉइंट वहाँ से क्रॉस करेगा इज ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म पे होगा, थ्री माइनस लैमडा लैमडा माइनस फोर और सिक्स लैमडा माइनस फाइव, इस फॉर्म में होगा कोई भी पॉइंट, तो देन हम मान लेते हैं लेट पी थ्री माइनस लैमडा लैमडा माइनस फोर सिक्स लैमडा बी द पॉइंट, यही पॉइंट जो है वो क्रॉस कर रहा है प्लेन से, ठीक है, बी द पॉइंट वेयर द लाइन क्रॉसेज द प्लेन जो दिया गया हमारा टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन। सो यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ पे कि नाउ टू इंटू एक्स सब कहा जाएगा थ्री माइनस लैमडा प्लस लैमडा माइनस फोर प्लस सिक्स लैमडा माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन, यहाँ से लैमडा का वैल्यू निकल जाएगा, तो सॉल्व करो अगर तो लैमडा का वैल्यू आएगा टू, ठीक है, पूरा सॉल्व कर लेना आप, हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या आ जाएगा जो पास कर रहा है कोऑर्डिनेट, इजीली निकल गया कि नहीं, यार निकल गया, बहुत ज़्यादा इजी, मैंने बोला ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है बहुत हार्ड बट बहुत ज़्यादा इजी, बोला गया है बहुत तरह का इसमें बात लेकिन सॉल्व उसी तरह से होगा, सभी सिमिलर टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू टू है थ्री माइनस टू टू माइनस फोर और हो जाएगा सिक्स इंटू टू माइनस फाइव, तो ये हमारा हो जाता है कितना होता है वन माइनस टू और सेवन, ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो समझ में आया, सभी एक तरह से आपको सॉल्व होते हैं, बोला जाएगा कि दो लाइन है दो प्लेन है दो इंटरसेक्शन है ये हो रहा है वो हो रहा है, बट जो फार्मूला बट जो सॉल्यूशन होता है वो सभी का एक ही तरह से होता है, जैसे मैंने सॉल्यूशन किया उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि क्या ट्रेंड चलता है कौन सा फार्मूला ज़्यादा यूज होता है, तो ये वाला जो फार्मूला डायरेक्शन रेशियो वाला जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है, डायरेक्शन कोसाइन वाला तो उतना नहीं यूज होता है, डायरेक्शन रेशियो वाला ज़्यादा यूज होता है, तो ये सब फार्मूलाज याद रख लेना। अब जो है आपको मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क असाइनमेंट के लिए दिया है, जैसे एट नंबर क्वेश्चन हम देख लीजिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स इतना इतना हंड्रेड परमिटेड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज यूनिटी, ओरिजिन से यूनिटी दिया गया है डिस्टेंस, तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है, आराम से, देखिए सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, अगर नहीं बनता है आपसे पहले बनाना कोशिश करना, अगर नहीं बनेगा
तो सॉल्यूशन आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 भी दिया है हमने, ठीक है, फिर 10 दिया है हमने, तो तीन क्वेश्चन आपके लिए हमने होमवर्क में दिया है, होमवर्क असाइनमेंट में आप खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अभी तक मैंने टोटल 7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिया, सभी एक तरह से आते हैं देखा आपने, और इसी तरह से अगले क्वेश्चन भी हैं तीनों, और इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं आपको कॉमेंट के, बेसिक से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड से भी और जेई मेन से भी, इसी तरह से 3D जियोमेट्री से बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो बस ध्यान दीजिएगा आप कौन कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था वो सब फॉर्मूला आपको याद रखना है, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। जैसा कि ये आप देख लीजिए, ये सब फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही था हमारा इस लेक्चर में, 3D ज्योमेट्री के लेक्चर 7th में, हमारा यहाँ पे लेक्चर 7th खत्म होता है आज। अगले लेक्चर में हम दूसरे चैप्टर पर बात करेंगे, तब तक के लिए इसके नोट्स आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा और उस नोट्स को पढ़िएगा, एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, शॉर्ट नोट्स है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए। तो बस हम मिलते हैं किसी और लेक्चर में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे फिजिक्स क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फिजिक्स क्रैश कोर्स और भी नेक्स्ट लेवल को होने वाला है, एक बार ज्वाइन करके आप देखिए, रिग्रेट नहीं कीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।